हरियाणा निवास भवन में यूपीएससी पास अभ्यर्थियों का सम्मान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। कहा, आपने हरियाणा का नहीं पूरे देश का नाम किया रोशन। उत्तराखंड दौरे पर रखे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने टीरी डैम का किया निरीक्षण। बांध निर्माण को लेकर अधिकारियों से भी की चर्चा। करनाल से कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की शुरुआत। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने की शुरुआत। हर जिले में होगा कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब पर पंचायत मंत्री महिपाल धांडा का तंज। कहा, पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल में हुए कार्यों का दे हिसाब। कांग्रेस ने अपने समय में हर जगह किया घोटाला। कल हरियाणा दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महेंद्रगढ़ के पाली में ओबीसी सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। सम्मेलन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बड़ा बयान। कांग्रेस को बताया एक्सपायर्ड इंजेक्शन। कहा, अब ये इंजेक्शन कहीं भी लगाया जाए काम करने वाला नहीं। निजी स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए थे तरुण चुग। कुरुक्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर मर्डर मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार आरोपी को किया गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के दौरान भागने की फिराक में थे आरोपी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी की टांग में लगी गोली। नमस्कार, सूर्य विशेष आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास हुए प्रदेश के युवाओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कहा कि पूरे देश में अलग पहचान रखने वाले धाकड़ हरियाणा की पहचान को लेकर अब आप देश के अलग अलग हिस्सों में सेवाएं देंगे। आप सभी को बधाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश का युवा चाहे खेल हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना हो, लगातार देश विदेश में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अपनी प्रतिभा का लोहा अलग अलग क्षेत्रों में मनवा कर हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है। अवसर था देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के सम्मान प्रदान करने का, लिहाजा चंडीगढ़ में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के यूपीएससी टॉपर शामिल हुए और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस अवसर पर सभी अभ्यर्थियों को बधाई देने के साथ ही कहा कि अब आपके जीवन के एक नए सफर की शुरुआत हो रही है। देश को आपसे अपार उम्मीदें हैं। पूरे देश में अलग पहचान रखने वाले धाकड़ हरियाणा की पहचान लेकर आप विभिन्न सेवाएं देश के लिए देंगे। देश के हर हिस्से में पहुँच कर भारत की अनेकता में एकता के भाव को और भी मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने पूरे देश में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। क्योंकि जब से जिम्मेवारी मुझे मिली थी और उसके तुरंत बाद आप लोगों से भी मेरी फोन पे बात हुई थी, मलिक साहब आपसे भी हुई थी। कुछ छूट गए थे क्योंकि समय का बड़ा अभाव भी रहता है। मैंने अपने स्टाफ में कहा कि जितना समय लगे तो मेरी बात जरूर अवश्य करा दें। कुछ अभिभावकगण से बात हुई थी, माता पिता से भी मैंने उनको भी बधाई दिया था कि बेटे ने बेटी ने हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए मैं अभिभावकगण को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की सरहद पर तैनात हर 10वां जवान हरियाणा से है। मौजूदा सिस्टम में से सरल रास्ता निकालकर अब सबको देशवासियों की सेवा करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। आप सभी युवा उस विकसित भारत के सपनों की नींव के कर्णधार हैं। कुछ अधिकारियों ने भी बात रखी है, हमारे जीवन का जो सफर है, हमने जहां पहुंचना था हम पहुंच गए, अब जीवन का सफर शुरू होने वाला है। अब तक तो हमने मेहनत की है, मेहनत करके हम जिस सीढ़ी पे हमने पहुंचना था अभी सीढ़ियां और भी बाकी हैं, परंतु अब हमारे जीवन का भी वो कालखंड शुरू होने वाला है कि जिससे देश को आप लोगों से अपेक्षाएं हैं कि देश क्या चाहता है, देश के लोग क्या चाहते हैं, आप देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सेवाएं देने के लिए आज तैयार है। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि मैं हैदराबाद से आकर के हरियाणा ने मुझे अडॉप्ट किया है और मुझे पूरा सम्मान मिला है। बहरहाल हरियाणा युवा विभिन्न क्षेत्रों में झंडा गाड़ प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संबोधन के बाद सभी सफल यूपीएससी टॉपर्स को श्रीमद् भगवद गीता भेंट की। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। इधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल उत्तराखंड में टिहरी बांध का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बोट से टिहरी बांध के जलाशय और आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण उन्होंने किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए रिपोर्ट में। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उत्तराखंड में टिहरी बांध का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे होंगे। उन्होंने निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट परियोजना की प्रगति पूछी और कहा कि राष्ट्र को ऊर्जा और जल सिंचाई के क्षेत्र में देश के लिए टिहरी बांध का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएसपी बनने से टिहरी बांध अपनी संपूर्ण क्षमता 2400 मेगावाट बिजली उत्पाद शुरू कर देगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने THDC इंडिया लिमिटेड की बोट से टिहरी बांध के जलाशय और आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया और गहनता से बांध निर्माण की जानकारी ली। काबिले गौर है कि इस परियोजना की पहली दो यूनिट की कमिश्निंग अगस्त माह में होने की संभावना है। 1000 मेगावाट की PSC परियोजना देश की पहली परियोजना है जो पानी को रिवर्स कर बिजली उत्पादन करेगी। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। इधर यमुनानगर के जिमखाना से अयोध्या धाम के लिए बस रवाना की गई। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना की और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार भी जताया। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरियाणा सरकार भी अलग अलग जिलों से बस चलाकर अयोध्या के लिए निशुल्क यात्रा करा रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर के जिमखाना से अयोध्या के लिए बस रवाना की गई। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बस को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने बस में बैठे यात्रियों से बातचीत की और उन्हें यात्रा के लिए बधाई भी दी। क्योंकि हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि इस धार्मिक स्थान पे मैं जाके आऊं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जा नहीं सकते। तो इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक शुरू की है और उसमें एक बहुत अच्छी बस जिसमें AC बस है जिसमें आराम से हम किसी भी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। आज ये यहाँ से अयोध्या के लिए जा रहे हैं, आज ये लखनऊ पहुँच जाएंगे, कल ये अयोध्या पहुँच जाएंगे और उससे अगले दिन ये वापस आ जाएंगे। इसमें हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो तो 46 लोग थे, लेकिन किसी कारण कुछ लोग आए नहीं, 26 यात्री आज इसमें जा रहे। आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ संख्या पहुँच गई।
आपको बता दें कि ये बस मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत रवाना की जा रही है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार यानी 1,80,000 से कम आय के परिवारों को निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। यमुनानगर से 26 लोग अयोध्या दर्शन के लिए जा रही है। यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए फुली एसी बस को भेजा गया है। यात्रियों ने इस योजना के लिए सरकार का आभार जताया। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको बताएं, करनाल से हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस के इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी कार्यक्रम में मौजूद है। और देखिए, कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम में शिरकत की। अपने दादा रणबीर हुड्डा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शहर में पैदल घूमेंगे दीपेंद्र हुड्डा। करनाल से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और विधिवत तौर पर देखिए हवन यज्ञ भी किया गया और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। करनाल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हरियाणा मांगे हिसाब इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने दादा रणबीर हुड्डा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके ये शुरुआत की। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पूरे शहर में पैदल दीपेंद्र हुड्डा घूमेंगे। को लेकर डोर टू डोर हम कैंपेन, सभी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा सरकार के विफलताओं को भी लोगों के बीच में लेके जाएंगे। कांग्रेस के संकल्पों को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे वो भी हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और इसी अभियान के माध्यम से मैं स्वयं भी जहाँ जहाँ प्रदेश के कोने कोने में पहुँचूंगा। कि आज शुरुआत यहाँ से करनाल से की है। अभी हमने 11 तारीख को चंडीगढ़ में और कल सोनीपत में हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और सारे अपने पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सबको अवगत कराया है। और आज की विधिवत शुरुआत यहाँ करनाल से हुई है। 90 के 90 विधानसभाओं में हमारे एमपी साहब जाएंगे और वहाँ पर ये पूरा जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के जो बिंदु हैं, हमारे जो 15 जो बिंदु हैं उनके अंदर जो सब क्लासेज हैं, करीब 90 से ज्यादा पॉइंट हैं जो इसमें रखे गए हैं। और विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले बीजेपी और कांग्रेस में बयानों का दौर जारी है। सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रदेश के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी से हिसाब मांगने से पहले कांग्रेस अपने घोटालों का हिसाब दे। पंचायत मंत्री ने और क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में जानिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है और कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है। दरअसल सोनीपत बीजेपी कार्यालय पहुंचे पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चोर कौन है ये प्रदेश की जनता को अच्छी तरह पता है। कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी किस चीज का हिसाब मांग रही है, पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दे। भाई चोर तो कौन है, कौन नहीं, सारी दुनिया में बेरा। मगर एक बात बताओ, साज तो बोलने बोलने चलने भी बोलने, सोचुए खा के बिल्ली अजगो चली। सारा खानदान कांग्रेस का एडी से लेकर चौकी तक करप्शन में मरा पड़ा, भरा पड़ा, मुकदमे में फंसा पड़ा। ऐसे लोग हिसाब मांग रहे हैं। भाई किस चीज का हिसाब मांग रहे हो, क्या कर दिया, जाओ ना कोई उजागर करो, कोई एकादा कोई मारा भी। तुमने कहाँ कहाँ से रोए, जो भी ईट उठाते हैं उसके नीचे से एक स्पोला निकल के आता है, एक घोटाला निकल के आता है। सारा देश लूट के भगा दिया,
नए आदमियों में शर्म नहीं आती है, कहती है ना कि भाई साफ मांगेंगे। महिपाल ढांडा यही नहीं रुके और कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ के सहारे पर राजनीति करती है। जनता से वादा किया था कि वो 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन बिजली कहाँ है, सबसे पहले इसी का हिसाब दें। बीजेपी 24 घंटे बिजली दे रही है। हमारी सरकार बढ़ाओ, हमारी सरकार बढ़ाओ, हम 24 घंटे बिजली देंगे। दी क्या 24 घंटे बिजली? अगर दिए तो उसका हिसाब दो। हमारी सरकार बनी, हमने दी ना 24 घंटे बिजली। हरियाणा में किसानों की लाखों रुपए में जमीन दलालों के जरिए खरीदी गई और फिर उसे करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। हरियाणा प्रदेश के कितने किसानों की जमीन पे सैंक्शन कोड लगा के अपने दलालों को किसानों के पास बेच के उनकी जमीन हड़पी। उस जमीन की वैल्यू क्या है? कितने लाख करोड़ रुपए की जमीन पे आप लोगों ने हाथ साफ किया, किसान को बर्बाद किया। दे दो हिसाब, हिसाब हम कह रहे हैं आपको, हमारा भी ले लो और अपना भी दे दो। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपने जीजा जी को 1 लाख रुपए से अरबोपति बना दिया, वो सुतर इस प्रदेश की जनता ने भी बताया दो और इसका हिसाब भी दे दो। कौन सा ऐसा कोना छोड़ा है जिस कोने में कांग्रेस ने, मैं कहूंगा कि सारी चीजों में रिकॉर्ड ना तोड़ दियो, चोरी करण में, डाका डालन में, दलाली करण में, कहां कहां से रोए। वहीं महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों के साथ अन्याय किया, आरक्षण की बात कहकर अब आरक्षण को ही खत्म कर दिया। कर्नाटक में ओबीसी और एससी का आरक्षण खत्म कर कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दिया और कहा कि मुसलमानों का हक सबसे पहले है। कांग्रेस पार्टी इस बात का हिसाब जनता को दे। लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि संविधान को बीजेपी पार्टी खत्म कर देगी, लेकिन संविधान को खत्म करने का सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। फर्जी घोषणाएं करके, फर्जी नारे लगा के लोगों को बहका लिया। हमारे जो दलित भाई थे उनका उल्लू बना लिया और उन्हें ये बना दिया कि भाई ये तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण में छेड़खानी करेंगे। इतने बदमाश लोग, मैं जब तो कह रहे मैं कहां कहां से रोए इन लोगों को। आरक्षण इन्होंने खत्म करना था, इसलिए आरक्षण का मुद्दा देकर हमारे सिर पर ठिकरा पड़ने लगे। ये बताओ आरक्षण इन्होंने क्यों खत्म कर दिया? इधर आरक्षण की बात चला के कर्नाटक में इन लोगों ने एससी का और ओबीसी का आरक्षण घोषणा ने मुसलमानों को दे दिया। दे जवाब कि दिया है कि नहीं दिया आपने? क्यों खोस लिया इनका? आपने इनका हिस्सा भी, और ये हिस्सा खोस के ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत पहले कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है, अगर तो उनके मार्ग बन रहे हैं बात। बहरहाल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर और हमलावर होते जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में किसके दावों और वादों पर जनता विश्वास करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से लगातार बीजेपी संगठन तैयारियों में जुटा है, उसकी तुलना में कांग्रेस में गुटबाजी ही देखने को मिल रही है। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। इधर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस को चुनौती दी है। यमुनानगर में कोई 5 काम गिनवाकर कांग्रेस दिखाई। यमुनानगर समेत पूरे प्रदेश को कांग्रेस ने पीछे धकेला है। कांग्रेस ने प्रदेश के विकास का कोई भी काम नहीं किया है। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा में जवाब देने को बीजेपी तैयार है, ये भी कंवरपाल गुर्जर की तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस से सवाल किया है कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने, तंज कसते हुए कहा है कांग्रेस ने प्रदेश के विकास का कोई काम नहीं किया है। रही जो पक्षपात उस सरकार में हुआ, अगर मैं समझता हूं कि सड़कों की इतनी बुरी हालत थी, अगर यहां से किसी को खिजराबाद जाना पड़ता था तो वो यहां से तेलीपरा और तेलीपरा से मांडखेड़ी और मांडखेड़ी चित्रौली कच्चे रास्ते को जाता था सड़क पे चलने की बजाय। मैं दावे के साथ कह रहा कि जब भी वो नेता आएंगे साफ देने वाले, उनसे 10 साल में 2 काम कोई ऐसे पूछना कि 2 काम आपने कौन से करे,
ऐसे कोई दो काम भी बता दे, पूरे जिले में कोई पांच काम बता दे कि ये पांच काम कांग्रेस ने करे, और हमारे से आप पूछोगे तो हम आपको 25 काम बताएंगे, वो अगर पांच बताएंगे हम 25 बताएंगे, अगर हम 25 ना बता सके उनके मुकाबले में तो फिर आप हमारे से साफ पूछ लियो, निश्चित तौर से साफ देंगे। बहुत अच्छी बात है कि साफ होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस किसी मंच पे आए, वहाँ हमें भी बुलाए और कांग्रेस भी आए, और वो भी अपनी बात कहें कि उन्हें क्या क्या काम किए थे, हम भी अपनी अपनी बात कहेंगे तो जनता फैसला करेगी। खुला चैलेंज है, जब चाहे तब आ सकती है कांग्रेस, कोई भी लीडर कांग्रेस का आ सकता है, और वो आगे बात करेगी जिले में कौन कौन से काम करेगी। इधर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। जेपी दलाल ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री समय समय पर जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी के लोहारू में अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाया और लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान वित्त मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है लोगों के घर जाकर ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जमानत पर चल रही है, बहुत से नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज है, वे किस मुंह से बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने नेता के बारे में सोचना चाहिए, राहुल गांधी जी जमानत पर है, यहाँ कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, 10-10 मुकदमे बने हुए हैं, घपले उन्होंने किए, भ्रष्टाचार उन्होंने किया, किस मुँह से वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करती है, पारदर्शी तरीके से काम करती है, और जो काम हमें करने हैं गरीबों के लिए वो हम करते रहेंगे। कांग्रेस ने जो एक भर्ती रोको गैंग करके गरीबों की नौकरी छीनने का काम किया है, उनसे हम डरेंगे नहीं, गरीबों की नौकरी किसी भी सूरत में हम नहीं जाने देंगे। कुल मिलाकर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने जहां जनता से जमीनी स्तर पर जुड़ने की कोशिश की, तो वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में केबल ऑपरेटर्स एक बार फिर से सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। अमृतसर में केबल ऑपरेटर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केबल ऑपरेटर्स की ओर से सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया और पंजाब पुलिस से न्याय की मांग भी की गई। देखिए रिपोर्ट। ये नारेबाजी हो रही है पंजाब सरकार के खिलाफ। पंजाब सरकार के खिलाफ केबल ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया है। ये मोर्चा है न्याय के लिए। दरअसल पंजाब में केबल ऑपरेटर पर फर्जी केस दर्ज करने का आरोप लग रहा है। केबल ऑपरेटर के मालिक के बेटे के खिलाफ गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए पुलिस पर पर्चा दर्ज करने की बात कही जा रही है। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ केबल ऑपरेटरों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। गलत तरीके से दर्ज हुई FIR के खिलाफ केबल ऑपरेटरों ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। केबल ऑपरेटरों के विरोध प्रदर्शन को कई सामाजिक संस्थाओं का भी समर्थन मिला है। कम से कम ਤੁਹਾਡਾ एक दूजे ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਡਾਸੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ सड़क पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के चलते मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और पुलिस की ओर से केबल ऑपरेटरों की बात को सुना गया। पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया गया।
मैनू जी मैनू ये सिर्फ अजे मैं मेमोरेंडम लिया हुआ जो इन्होंने दसिया हुआ सानू जांच तो जी है जेडे जिते रजिस्टर्ड है केस वो कंसर्न एस एच ओ कंसर्न डी एस पी वो करेंगे पूरा और यह मैश्योरिटी देना वा तू कि जी जांच है वो ऑलरेडी ही मतलब फेयर तरीके ही चलती होएगी जे कोई वे देने सबूत अपने बेगनाई दे मैनू नहीं पता भी ये एक्यूज वालू ने कि कंप्लेनेंट वालू ने कि वालू ने ठीक है जी जो जायज होएगा जो सही होएगा कानून मुताबिक उ होएगा। अच्छा भाजी जिसके दसा जा रहा है कि सबूत दवोगे तो आप परचा जे रद्द करने वाला होएगा तो करा बिल्कुल जी बिल्कुल परचा दर्ज किया सबूत सारे है जी तुहानू दस दईए साढ़े अकॉर्डिंग टू लॉ जे कोई साढ़े को कॉग्निजेबल ऑफेंस जिहड़ा काबल दस्तानदाजी पुलिस कोई जुर्म दी प्राइमा फेसिया कोई इतला आती है तो पुलिस का फर्ज बनता है उन्हें परचा दर्ज करके तफ्तीश करे परचा दर्ज होने का मतलब यह नहीं हुंदा भी परचा दर्ज हो गया तो दोषी जिहड़ा साबित हो गया ठीक है जी वो सिर्फ परचा दर्ज होया वा उहदा अगे उहदी इन्वेस्टिगेशन च यह पता लगेगा भी सच्चाई की है फैक्ट्स की है वो फैक्ट्स दे बेस ते जे गलत होएगा तो परचा कैंसल हो जाएगा। आपको बता दें कि केबल ऑपरेटरों की ओर से आरोप लगाया गया है कि फास्टवे केबल और नेट प्लस ब्रॉडबैंड के सामानों की चोरी की जा रही है जिसके बाद भी पंजाब सरकार और पुलिस की ओर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जबकि फास्टवे केबल पर नेट प्लस की ओर से विनय कुमार के खिलाफ 3 FIR दर्ज कराई गई जिसके बाद कार्रवाई न होने से केबल ऑपरेटर नाराज है। अब केबल ऑपरेटरों ने फर्जी FIR वापस लेने और विनय सिंह को गिरफ्तार करने की मांग ज्ञापन के जरिए पुलिस को दी है। अमृतसर से ब्यूरो रिपोर्ट सूर्य समाचार। और सूर्य विशेष में फिलहाल मेरे साथ इतना किया, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।